इस गली को लाहौर की सबसे खूबसूरत गली भी कहा जाता है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। सो वेलकम हो गया एक नए व्लॉग में। अभी सुबह के हैं 9 o'clock और रेडी शेडी हो गए हैं और आराम भी कर ली। वकार, रात कैसी गुजरी? रात तो बहुत अच्छी गुजरी। हाँ जी, रात भी अच्छी गुजरी और अभी जो है ना काफ़ी कमाल का मौसम है। ये देख सकते हैं लाहौर के नज़ारे और बादल छाए हुए हैं। सो आज का हमारा प्लान ये है कि पहले जाएंगे लाहौर का नाश्ता करेंगे। लाहौर अपने नाश्तों के लिए मशहूर है तो यहाँ नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है ना अंदरून शहर जो है ना लाहौर की जो गलियाँ वगैरह है उसको एक्सप्लोर करेंगे और शायद अगर पेड़ टाइम हुआ तो वाघा बॉर्डर भी जाएंगे। तो आज की यही प्लान्स हैं, तो मेरे साथ इस व्लॉग में मौजूद रहिए। Y'all see me flying, never drop down, drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, when I battle with a beast, bring a few more, the commander and the chief. For my crew on bullets rattling and whistle at your toque, never sleep by so. So this time aap dekh sakte hain mere piche hai Lahore ka Delhi gate। ये गेट्स जो है ना इस तरह के तकरीबन 6 गेट्स यहाँ पर लाहौर में मौजूद है, जिसमें से एक गेट है दिल्ली गेट। ये गेट तकरीबन मुग़ल एरा में बना था, मतलब जिस टाइम अकबर यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उस टाइम ये गेट बना था। और इसको दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली साइड पर है। और अगर हम यहाँ से अंदर जाएँगे तो हमें यहाँ पर मस्जिद वज़ीर ख़ान और इसके अलावा शाही हमाम भी देखने को मिलेगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद वज़ीर ख़ान में, जो कि एक हिस्टोरिकल मॉस्क है और दिल्ली गेट से जब आप अंदर आएंगे तो आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान देखने को मिलेगा। ये मॉस्क जो है ना 17th century यानी मुग़ल एरा में बना था। इसकी कंस्ट्रक्शन 1634 में स्टार्ट हुई थी और 1641 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना ख़त्म हुई थी, कम्प्लीट हुई थी। और यहाँ पर जो है ना आपको मुग़ल एरा की आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। यह है मस्जिद वज़ीर ख़ान का इनसाइड का व्यू। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देख सकते हैं। और ये अंदर मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से ये शॉप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको कॉफ़ी और इसके अलावा बारबेक्यू डिफरेंट फूड मिल जाते हैं, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो ये बंद है। ये है सुरजन सिंह स्ट्रीट। इस स्ट्रीट को ये सुरजन सिंह नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि उस टाइम एक फिजिशियन थे जो कि मुग़ल एम्परर्स का इलाज कर रहे थे, मतलब उनके पर्सनल फिजिशियन थे, तो उनके याद में इस गली का नाम रखा गया है। इस गली को लाहौर का सबसे खूबसूरत गली भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये सारे बिल्डिंग्स जो है ना ओल्ड डिज़ाइन में है और ये डोर्स की आर्किटेक्ट को अगर हम देखें तो सब वो हिस्टोरिकल टच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
इस टाइम मैं और वकार लाहौर की सबसे नैरो पतली गली में खड़े हैं। सुरजन सिंह के पास वाली गली जो है ना, ये यही नैरो गली है। अगर इसमें एक शख्स खड़ा हो तो दूसरा शख्स बमुश्किल यहाँ से पास हो सकता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है ऑक्टागोनल शेप में एक पूल मौजूद है। जो लोग यहाँ पर बाथ लेने आते थे हमाम में, तो वो अपने बारी का इंतज़ार यहाँ पर करते थे। इस पूल में बैठकर यहाँ पर गपशप लगाते थे, और साइड पे जो है ना, यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी हुआ करती थी जहाँ पर लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे। यहाँ पर इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी गई है। ये कमरा हमाम के बट्टों से करीब होने की वजह से हमाम का गर्म तरीन हिस्सा है, जिसका फर्श ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए गर्म किया जाता था। ये आप देख सकते हैं। तो इस ब्लॉग में हमने आपको दिखाया मस्जिद वज़ीर ख़ान, इसके अलावा दिल्ली गेट, शाही हमाम और सुरजन सिंह गली, और इसके अलावा जो एक तंग गली थी वो भी दिखाई। और अभी इतनी भूख लगी है, नाश्ता नहीं किया है। क्या टाइम हो गया वकार? 11 o'clock हो गए, तकरीबन 11 o'clock हो गए और अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। सो ब्लॉग के चक्कर में सिरे से टाइम ही नहीं मिला, तो अभी यहाँ पर कहीं यहाँ की रिवायती नाश्ता करते हैं और फिर आगे के प्लान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।